सेहत के लिए कई मायनों में फ़ायदेमंद है। जी हाँ, यह वज़न घटाने में भी बहुत मदद करता है। जो लोग किसी कारण जिम नहीं जा पाते हैं या हैवी वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए फिट और हेल्दी रहने के लिए टहलना एक बेहतर विकल्प है। जी हाँ, हाल ही में हुए रिसर्च के अनुसार खाना खाने के बाद टहलने से सेहत को कई फायदे होते हैं। इससे शरीर का फैट बर्न होता है और मोटापा कम होता है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे टहलने के फायदे, हर दिन में हमें कितना टहलना चाहिए और टहलने का सबसे अच्छा समय क्या है। यह कहने की बात नहीं है कि दिन में किसी भी समय टहलना शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन ख़ास तौर पर खाने के बाद टहलना वज़न घटाने और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बेहतर है। जी हाँ, जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है, उन्हें भविष्य में स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए नियमित रूप से टहलना चाहिए। टहलने से कैलोरी बर्न होती है, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। हर दिन हम अपने घर में या बाहर जितना अधिक टहलते हैं, कैलोरी उतनी तेज़ी से घटती है। इसलिए वज़न घटाने के लिए हमें अधिक से अधिक टहलना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि रोज़ाना वर्कआउट करने से ना सिर्फ वज़न घटता है बल्कि ब्लड शुगर लेवल भी नियंत्रित रहता है। 2016 में हुई एक स्टडी के अनुसार हर बार भोजन के बाद 10 मिनट टहलने से टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों में ब्लड शुगर का स्तर घटता है। जी हाँ, भोजन के बाद 10 मिनट टहलना दिन में किसी भी समय 30 मिनट टहलने से कहीं अधिक फायदेमंद है। जब आप टहलते हैं या कोई अन्य एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है और आपकी मांसपेशियां एनर्जी के रूप में कार्बोहाइड्रेट या शुगर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। जब आप भोजन में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जी हाँ, खून से इस शुगर को बाहर निकालना और शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना इंसुलिन का काम होता है। जी हाँ, भोजन के बाद जब आप टहलते हैं तो मांसपेशियों में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे रक्त से एक्स्ट्रा शुगर बाहर निकल जाता है और ब्लड शुगर कंट्रोल होने से वज़न तेज़ी से घटता है। नियमित कितनी और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे जुड़े कई नियम हैं। जी हाँ, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार हर हफ्ते 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। हर दिन कम से कम 21 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी से टहलना चाहिए। जी हाँ, इससे हृदय रोग और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम होता है, साथ ही हड्डियाँ मजबूत होती है और वज़न भी घटता है। जी हाँ, वज़न घटाने के लिए खाना खाने के बाद नियमित रूप से टहलना चाहिए। इसके साथ ही हेल्दी डाइट पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ क्यूरेन ही आयुर्वेदा से। सुरभि की रिपोर्ट। Subscribe and press the bell icon for latest updates.